सकते हो हमारा केक कितना अच्छे से रेडी है इस केक में और खाने में बहुत ही टेस्टी है। तो फ्रेंड्स मुझे रेसिपी थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। नमस्कार संगवारी हो, सीजी संतोषी डिशेस अनलॉक्स में आप सबके स्वागत है। आज लेके आऊँ संगवारी हो सूजी मार्बल केक की रेसिपी। अवेला बनाना बहुत ही आसान है और बहुत कम समय में भी बन के तैयार है। तो चलो फिर बना अवेला बनाए भरे जगले हमें है। दही आधा कटोरी, दूध है एक कप, सूजी है आधा कप, तेल है एक कप, शक्कर है, कोको पाउडर है एक चम्मच, बेकिंग पाउडर है और एक चुटकी सोडा, बेकिंग सोडा जो भजिया भजिया बनाता था वही वाले सोडा हरे। अभी कर ले हमें मिक्सी के जार, मिक्सी के जार में डाल देता हूँ सूजी ला। अभी कर सूजी आप मन हाँ कोई सा भी ले सकते हो, मोटा पतला काबर के तोला पीसना अच्छे और वजह से आप मन हाँ कोई भी सूजी ले सकता हो। अभी कर डाल देता हूँ दही। अभी कर है आधा कप दूध, दूध लभी डाल दे हूँ, थोड़ा सा दूध लमी है बचा दे हूँ काबर के कभी घोल गाढ़ा हो जाएगी तो थोड़ा सा दूध डाले के काम ही ओकर वजह से थोड़ा सा दूध रख दे हमें। अभी कर डाल दे हमें शक्कर छोटे कप में, एक कप शक्कर है। अभी एक चौथाई कप तेल है रिफाइंड ऑयल जो सब्जी वब्जी बनाते हैं वही तेल हरे। अभी ला ढक्कन ला बंद कर दे हम यहाँ जार के। अला मिक्सी में बढ़िया से पीस लेना है और देख सकते हो पीसे के बाद में सब चीज़ बढ़िया से मिक्स हो गई है और बढ़िया से पिसा गई है, देख सकते हो घोल ला आप मन हाँ इसी प्रकार से पीस लेना है। अवेला रख देना है 20-25 मिनट पर अच्छा से सेट हो बार और सूजी भी अच्छा से फूल जाए। अब देख सकते हो सूजी अच्छा से फूल गई है, काढ़ा भी हो गई है थोड़ा से घोला देख सकते हो आप मन हाँ। अभी कण डाल देता हूँ मैं यहाँ एक चम्मच बेकिंग पाउडर, एक चुटकी सोडा, बेकिंग सोडा। अब डाले के बाद मेला एक एक बार मिक्सी में और चला देना है, देख सकते हो और सब चीज़ बढ़िया से मिक्स हो गई है। अब बिल्कुल परफेक्ट घोल बन के तैयार है। अभी कर ले हूँ मैं अलग से बर्तन कटोरा अलग से, इसमें डाल देता हूँ मैं यहाँ बैटर ला मैंने घोल ला आधा आधा कर लेता हूँ मैं यहाँ। अब एक कण डाल देता हूँ यहाँ दो चम्मच कोको पाउडर, अगला मैं छन्नी में छान के डाल देना है काबर की कोई कंकड़ वंकड़ वो छन के निकल जाए। अभी कर हम यहाँ कोको पाउडर ला छान ले हमें यहाँ अवेला बढ़िया से मिला लेना है, मिक्स कर लेना है। देख सकते हो बढ़िया से मिक्स हो गई है कोको पाउडर है, बढ़िया से मिला लेना है। अभी कर ले हूँ मैं यहाँ इडली इडली बनाए के सांचा और मैं तेल लगा के रख ले हूँ पहले से। अभी कर डाल देना है एक चम्मच घोला, एक एक चम्मच घोला सब खाना में डाल देना है। अभी कर डाला था मैं सफ़ेद वाले घोल कर ऊपर में। यही प्रकार से घोल डाल लेना है एक के ऊपर एक। एक ऊपर में डाल देना है चॉकलेट वाले घोल
यही प्रकार से एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक करके ही घोल डाल लेना है। यही प्रकार से सब छाँचा में घोल डाल लेना है। अभी कर ले हम यह टूथपिन इमें इमें बढ़िया से डिजाइन बनते देख सकते हो आप मन। ही प्रकार से आप मन भी कर सकते हो, करे से बढ़िया से फूल जैसे डिजाइन बन जाते। देख सकते हो कितना अच्छा से फूल जैसे डिजाइन बन गए। यही प्रकार से कर लेना है। अभी गरम यहाँ इडली के सांचा ला गरम करीब रख दे रही हूँ नमक डाल के, और देख सकते हो अच्छे से गरम हो गई है। अभी करा रख देता हूँ जो केक के घोल बना हन वाला डाल दे हूँ, जो बची से वाला में यहाँ बिना कलर वाले ही बना था। अभी करा कलरफुल वाले जो बैटर बना के रखे हैं वाला डाल देता हूँ। वाला बढ़िया से ढक के 20-25 मिनट लैला कम आँच में ही पका लेना है। अभी करा देख सकते हो 25 मिनट हो गए। अभी अब बढ़िया से केक पक गई, देख सकते हो चाकू में हम यहाँ दिखाता हूँ गोप के तो बिल्कुल साफ निकले है। तो केक बिल्कुल बन के तैयार है। अभी लम यहाँ नीचे उतार ले हाँ, और थोड़ा सा ठंडा करे के बाद मेला निकाल लेना है। तो किनारा ला छोड़ा देता हूँ मैं यहाँ चाकू से। देख सकते हो मस्त केक बन के तैयार है, मार्बल केक। अब बस तो स्पंजी सॉफ्ट बने हैं। तो रेसिपी अच्छा लगी संगवारी हो थोड़ा सा भी तो आप मन हाँ वीडियो वाला सपोर्ट करो, लाइक सब्सक्राइब जरूर करो। अभी कर हम यहाँ बिना कलर वाले जो बचे रही से घोल ओला बना रहे हूँ वाले हरे, वो मस्त सॉफ्ट स्पंजी बने हैं और केक का बिल्कुल बन के तैयार है।